इतनी सुंदर एक्टर और इतने गुप्त वाले सब्जेक्ट में क्या कर रही है? वही तो है कि एक सुंदर एक्टर होने के साथ साथ मैं एक सुंदर कलाकार भी हूँ होपफुली, तो इसलिए वो सुंदर कलाकार एक ऐसे सब्जेक्ट में है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए, और एक ऐसी फिल्म मेकर के साथ है जिसके साथ वो बचपन से काम करना चाहती थी, तो इससे बढ़िया मौका कहाँ मिल सकता था। सेट पे कोई मतलब आपके पसंदीदा डायरेक्टर है और सब्जेक्ट भी थोड़ा अनोखा है, तो कोई मज़ेदार वाकया इफ यू रिमेम्बर? क्या ये पूरा सब्जेक्ट ही बहुत यू नो मजाकिया टाइप है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी यू नो जो रोज़ कुछ ना कुछ होता था, हम लोग बहुत हंसते थे। इनफैक्ट जो मेरा पहला दिन था शूट का, वही एक कहानी है कि एक बहुत ही कॉमिकल डांस करना था मुझे, जो बहुत ही थोड़ा सा यू नो सेडक्टिव इन अ कॉमिकल मैनर था, और वो कुछ 100 लोग यू नो थे सेट पर उस दिनों में, पहला दिन था, तो पहले दिन ही इतना खुल के यू नो चौड़ा होना वो इज क्वाइट अ चैलेंज, और मैं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियसली कर रही थी, और लोग यू नो लोट पोट हो रहे थे, हंस रहे थे, गिर रहे थे, तो आई थिंक उस दिन मैं बेशरम हो गई थी। उस दिन मैंने सीख लिया था कि एक बेशरम एक्टर कैसे होता है, तो बस उससे एक करेक्ट शुरुआत हुई थी मेरे कैरेक्टर की। तो दीपा मतलब हमने आपकी फिल्में भी देखी और अभी वेब सीरीज है, तो एज एन एक्टर आप में अपने आप में कोई चेंज करना पड़ा, टेक्निकली बोलो या कुछ एक्शन वाइज कुछ चेंज करना पड़ा आपको? बहुत कुछ, आई थिंक हर दिन मैं कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, बेटर होने की कोशिश कर रही हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई मैं जब मैं अपना पहला यू नो मैं पहली फिल्म देखती हूँ और मैं अब देखती हूँ, आई डेफिनेटली सी माई ओन सेल्फ, आई डेफिनेटली सी यू नो डेफिनेटली सी सम चेंज इन ग्रोथ फॉर श्योर। एंड मेरा हमेशा से यही यू नो रहा है कि मुझे ना हर प्रोजेक्ट के साथ बेटर बेटर होते जाना है। मैं ट्रेन एक्टर नहीं हूँ, तो मैं ऑन द जॉब ही सीखी हूँ जो मुझे यू नो एज एन एक्टर मैं सीख सकती हूँ, तो बस यहाँ से भी आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम लाइक आफ्टर डॉक्टर और द नेक्स्ट थिंग दैट आई डू आई वॉन्ट टू बी बेटर एज एन एक्टर एंड कीप ग्रोइंग। आपको एक मतलब एज अ यंग एक्टर और एक जो समाज में जो एक यंग क्राउड उनका रिप्रेजेंटेटिव मानकर मैं आपको पूछना चाहती हूँ, मतलब हमारे वहाँ सेक्स या सेक्स एजुकेशन के बारे में बातें नहीं होती है, तो यू एज अ यंगस्टर व्हाट यू हैव टू से ऑन दैट? आई अग्री विद यू, आई फील लाइक द ओल्डर जनरेशन इज स्टिल वेरी शाय एंड एम्बैरस्ड टू टॉक अबाउट सच इश्यूज, अबाउट सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, सेक्स बोलना ही एक एम्बैरसमेंट हो जाती है लोगों को, फॉरगेट उनको, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट अभी भी लोग यू नो सेक्स कहने से भी डरते हैं या शर्माते हैं, बट आई फील लाइक एक चीज़ मैंने नोटिस करी, जो जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, अगर आप हमारे यू नो ट्रेलर के कमेंट्स पढ़ेंगे ना यूट्यूब पे नीचे, तो आपको पता चलेगा दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द यंग जनरेशन इज़ वेरी ओपन टू द आइडिया ऑफ वॉचिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग क्वर्की। आई रिमेंबर सीइंग यू नो कमेंट्स ऑफ पीपल सेइंग फाइनली समवन इज़ यू नो टॉकिंग अबाउट यू नो दी स्मॉलर इशूज फ्रॉम द हार्टलैंड ऑफ इंडिया। यस, सो पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड टू सी द फैक्ट दैट हम लोग ना छोटे शहरों की कहानियाँ बता रहे हैं जो रियल हैं, और बहुत रियल सेंस में बता रहे हैं, ऐसे नहीं उसको पूरा ग्लैमराइज कर दिया है ऐसा कुछ है, बहुत नॉर्मल रियल तरीके में कॉमेडी को लेके हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इफ यू नोटिस OTT इज ऑल्सो डोमिनेटेड बाई द यूथ इन अ वे, इंडिया इज डोमिनेटेड बाई द यूथ, अ मेजर परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन इज द यूथ, सो आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस न्यू यंग इंडिया which is going to hopefully change things. Maybe the older generation will not change, but I feel like the newer generation henceforth will start talking about these things more openly. क्या आप अपने बच्चों के साथ बात कर पाओगी इन टॉपिक्स पे? Of course. आगे in future में. I think मेरी generation definitely is a little more aware वाली generation है. हम लोग इतना नहीं हिचकिचाते हैं बातें करने में. Like I said, I think we are more open to the idea because I think कहीं ना कहीं हमारा exposure भी जो world cinema वाला है ना, वो it has made us to be a little more बेशरम, let's put it like that. We are open about, I talk to my you know mother about my boyfriend, you know about what is happening in, I know कि शायद मुझसे पहले मेरी mom नहीं बात कर पाती अपने parents के साथ इस बारे में, but मैं कर पाती हूँ, I don't have a problem because मेरे घर का माहौल वैसा है, and I hope कि आगे जाके मैं अपने घर का माहौल ऐसे रखूं कि मेरे बच्चे मुझसे कंफर्टेबल होकर बात कर सकें। आई थिंक दैट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी पेरेंट। डॉक्टर अरोरा के बाद में क्या कर रही है? अभी तो मैं सिर्फ मेरा कंसंट्रेशन डॉक्टर अरोरा के ऊपर है, और
और हैं चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, लेकिन when the time is right we should talk about it. संदीपा, आपकी चॉइस ऑफ फिल्म अब अलग होते जा रहे हैं, ये जानबूझ के कर रही है आप, मीन्स इज इट जी? मैं आई थिंक हम एक ऐसे दौर में है ना जहाँ पे अगर आप इंटरेस्टिंग और डिफरेंट चॉइसेस नहीं रखते हो ना, देन यू विल बी, यू विल नॉट बी रेलेवेंट. एंड आई फील लाइक मी एज एन एक्टर आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू डिफरेंट थिंग्स. मैं नहीं चाहती कि मैं रेपिटेटिव हूँ, मैं चाहती हूँ मैं अलग अलग चीज़ें करूँ. तो मैं इसलिए अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग कैरेक्टर्स चूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ. तो आप कितनी सक्सेसफुल हूँ वो मुझे नहीं पता, बट चूज़ डेफिनेटली एफर्ट तो है. थैंक यू. थैंक यू.